बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने जा रही हूँ मूंग दाल क्रिस्पी पराठा। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 1 कप मूंग की दाल है और 1/4 कप चावल। हम इनको 1 घंटा के लिए भिगो देते हैं। यहाँ मूंग की दाल और चावल को भिगोए 1 घंटा हो गया। अब हम इनको पीस लेते हैं या ग्राइंड कर लें इनको। मैंने यहाँ मूंग की दाल और चावल को पीस लिया है। पीसते वक्त आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ 2 चम्मच पानी के डालना है। और ये हमारा थिक सा बैटर जो है वो तैयार है। अब इसमें 2 चम्मच हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा पीस के आप वो डाल दें। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच नमक डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पर रख दें। अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए एक पैन में 2 चम्मच ऑयल गरम कर लें, अदरक थोड़ी सी डाल दें कुटी हुई, एक सब्ज मिर्च काट के डाल दें बारीक, अब इसमें गाजर 1 प्याली बारीक काट लें, शिमला मिर्च बारीक काट लें 1 प्याली। सब्जियों को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, तेज आंच पर इसको हल्का सा कुक कर लें। एक टमाटर डाल दें बीच निकाल के और इनको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। सब्जियां क्रंची रहनी चाहिए। 2 चम्मच केचप डाल दें, सब्जियों में मिठास आ जाएगी। हरा धनिया, यहाँ हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। यहाँ मैंने पैन गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, हल्की आंच पर इसको गरम करना है। अब हमने मूंग दाल की रोटी बनानी है। सबसे पहले हल्का सा ऑयल लगा दें, अब हमने जो मूंग दाल का बैटर तैयार किया था उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 1 चम्मच भर के डाल दें और इसको गोल गोल घुमाते जाएं। हमने ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसको टर्न करना है, दूसरी साइड भी हल्का सा इसको पका लें।
ऊपर से ये हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हमने फ्लेम को आहिस्ता कर लेना है। हमने अब 1 चम्मच चटनी ऊपर लगा दें। बहुत ही करारे ये पराठे बनेंगे। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी वो लगा दें ऊपर और इसको थोड़ा सा फैला लें। इसमें आपको ना आटा गूंदने की ज़रूरत है, बच्चों को लंच में दे। इसको फोल्ड कर लें। दूसरी साइड से भी पका लें। हमारा पराठा इधर तैयार हो चुका है, इसको अब निकाल लेते हैं। इसी तरह आपने सारी रोटियां बना लेनी है और तवा तवे को ठंडा कर लेना है पानी डाल के। दूसरी रोटी भी आपने इसी तरह बना लेनी है। जब आपने इसको टर्न करना है तो थोड़ा सा घी लगा दें। हमने रोटी को टर्न कर लिया है। आपने अच्छे से इसको क्रिस्पी बनाना है। जब ये हल्का ब्राउन इसका कलर आ जाए तो आपने फ्लेम को आहिस्ता कर लेना है। चटनी लगा दें। केचप लगा दें। ऊपर जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो लगा दें। इसको फोल्ड कर लें। देखें बहुत अच्छा सा कलर आ गया। जितना आपके पास बैटर है उतना ही आपने उतनी रोटियां आपने बना लेनी है। बहुत ही मज़े की टेस्टी रोटियां बनती हैं। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को खिलाएं, लंच में दें, ब्रेकफास्ट में दें। मज़ेदार मूंग दाल के पराठे हमारे तैयार हैं, क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार। आप इन पराठों को चटनी, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।